निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत खुर्सीपार आईटीआई कैंपस में 500 महिलाओं को रोजगार देने के लिए गारमेंट फैक्ट्री निर्माण पर तेज गति से काम किया जा रहा है। भिलाई के मेयर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कार्य का निरीक्षण कर जायजा लिया। भिलाई क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से खुर्सीपार आईटीआई ग्राउंड में बनाए जा रहे गारमेंट फैक्ट्री का संयुक्त निरीक्षण करते हुए महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कार्य को शीघ्रता से करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। लगभग 3300 स्क्वायर फीट में गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें शौचालय की व्यवस्था तथा किड्स जोन भी होगा। वाटर कूलर भी लगाए जाएंगे। महिलाओं को गारमेंट फैक्ट्री के संचालन के लिए 45 दिवस की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग के पश्चात ही प्राइमरी शेड से मेन शेड में महिलाओं को कार्य हेतु भेजा जाएगा। गारमेंट फैक्ट्री को सुरक्षित रखने के लिए चारों ओर से बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया जाएगा। गारमेंट फैक्ट्री में कपड़े के लिए मशीन स्थापित किए जाएंगी तथा इसके संचालन के लिए भी निगम के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा खुर्सीपार जोन क्षेत्र में मंगल भवन में बीपीओ के कार्य का जायजा लिया जाएगा। इन सभी कार्यों की प्रगति देखी गई तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। गौरतलब है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए बीपीओ सेंटर खोला जा रहा है। दौरा माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है और गारमेंट फैक्ट्री नगर पालिका भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आईटीआई मैदान के समीप बनाया जा रहा है, जिसमें 500 महिलाओं को रोजगार देने का अनुमान है। इसमें गारमेंट फैक्ट्री में जो है महिलाएं कपड़ा का काम करेंगी, कपड़ा बनाने का। दूसरे इसके लिए मशीन स्थापना का भी काम किया जाएगा और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे किड्स जोन है और शौचालय निर्माण है और जैसे उसका जो वॉल है, बाउंड्री वॉल है, ऐसे सारी चीज़ों से जो है गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण में योगदान रहेगा। इसकी तैयारियों को लेकर माननीय महापौर जी आयुक्त महोदय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कार्य जो है शीघ्रता से पूर्ण करने कहा गया है। स्कूल जतन योजना के तहत भी जो है काम किया जा रहा है। दूसरा ये है कि जो बीपीओ है वो खुर्सीपार क्षेत्र में भी निर्माण हो रहा है, इसका भी जो है निरीक्षण किए गए थे। साथ में जल भराव वाले क्षेत्रों का भी निरीक्षण करते हुए जो है डुबान एरिया जैसे है और जल भराव वाले ऐसे क्षेत्र हैं उस पर अलर्ट मोड में रहने के निर्देश जो है अधिकारियों को दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान जोन अध्यक्ष भूपेंद्र यादव, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, जोन आयुक्त पूजा पिल्ले, कार्यपालन अभियंता संजय बागड़े, उप अभियंता चंद्रकांत साहू एवं कृष्णा जंघेल आदि मौके पर मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।